अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो यूजुअली हम बात करते हैं वीडियोस में कि हमें क्या करना चाहिए ड्यूरिंग आर बोर्ड प्रिपरेशंस, राइट। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, ओके? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज में फंस जाते हैं। मैं बस पांच इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो हमें नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग आर बोर्ड प्रिपरेशंस, बिकॉज अगर हम ये चीजें करते हैं हमारा कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको ये पांच चीजें जाननी है। तो अगर मैं नंबर वन की बात करूं, प्लीज एंड प्लीज डू नॉट यूज सोशल मीडिया। अगर आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट या कोई सी भी बला है तो उनको अभी अवॉइड करने की कोशिश करो। आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो इस टाइम में प्लीज एंड प्लीज सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सको उतना करो। रील्स दिन भर स्क्रॉल करो, इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका पता भी नहीं चलता। तो ये एक चीज है जिससे आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। जितना आप कोशिश कर सको इन चीजों से दूर रहो। और कभी किसी फ्रेंड ने हाई कर दिया, यहाँ से हेलो करोगे, फिर वहां से दादी ठीक है, नानी ठीक है, बच्चे ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, वो सब कुछ पूछने लग जाते हो आप। तो इसीलिए ये चीज जो है सोशल मीडिया, इन चीजों से दूर रहने की कोशिश करो जितना हो सके तो, ओके? एंड अगर मैं सेकंड टिप की बात करूं वो है डू नॉट आस्क योर फ्रेंड लाइक हाउ मच यू हैव स्टडीड, हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड। अगर आप ये चीजें पूछते हो ना अपने फ्रेंड से, अगर मैं ये बताऊं ज्यादा ये चीजें लड़कियों में होती है। लाइक जैसे अभी कुछ पढ़ा नहीं तो अपनी फ्रेंड को कॉल कर दे, हेलो हाँ तुमने कितना पढ़ा। तो ये चीजें होती है लड़कियों में, लड़कों में भी होती है बट ज्यादा लड़कियों में ये देखी जाती है। तो आप क्या चीज करें इस चीज को भी अवॉइड करें, बिकॉज अगर आप अपनी फ्रेंड को पूछते हैं कि आपने कितना पढ़ा उसे आप ही डिमोटिवेट होगे। और ये चीज दिमाग में रखना, फ्रेंडशिप को भी अवॉइड करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना ज्यादा फ्रेंडशिप को अवॉइड करने की कोशिश करो। बिकॉज देखो आजकल के जमाने में तो अपने भाई बहन पर भरोसा नहीं कर सकते, तो अपने एक फ्रेंड पे भरोसा करना तो दूर की बात है। बिकॉज ऐसे भी फ्रेंड होते हैं जिनने खुद तो कंप्लीट किया हो लेकिन आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश वो जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है। अगर आपके उस फ्रेंड से ज्यादा अच्छे मार्क्स तो वो खुश हो जाएगा लेकिन बाहर से, अंदर से गालियां मार रहा होगा वो, ठीक है? ये मैं हार्श रियलिटी बता रहा हूं। तो तीसरी बात अगर मैं बताऊं, डू नॉट पोस्टपोन योर स्टडीज। देखो हम क्या करेंगे आजकल, हमें अगर किसी चैप्टर का रिवीजन करना हो और हमें पता हो कि ये हमें आता है तो हम क्या करेंगे, चलो दो मिनट बैठ के रील्स ही देखते हैं। इसीलिए ये चीजें जो है वो इंटरलिंक्ड है आपस में, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा था सोशल मीडिया को भी अवॉइड करो। तो हम क्या करते हैं, रेस्ट लेते हैं, उस रेस्ट के नाम पे हम उतना रेस्ट ले लेते हैं जितना डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता डिस्क वाले पेशेंट को। हमें क्या करना चाहिए, अपनी अगर स्टडीज अभी प्लानिंग की है कि अभी मुझे 3 बजे से पढ़ना है तो 3 बजे से ही पढ़ो, इवन 2:55 से ही पढ़ो, ठीक है? अभी स्टडीज को बिल्कुल भी पोस्टपोन मत करो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है एंड में, अभी तक वीडियो जरूर देखना। तो अब अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन्स स्ट्रेटजी। आपको क्या करना चाहिए, किसी और की स्ट्रेटजी अभी फॉलो मत करो। चाहे आपका फ्रेंड है वो बता रहा है मैं यहां से पढ़ रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, पढ़ने दो, यू शुडंट केयर अबाउट दैट, ओके? आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, बिकॉज जितनी ज्यादा अभी अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, बिकॉज यू नो कि आपका पोटेंशियल क्या है, बिकॉज यू नो आप कैसे पढ़ पा रहे हो, राइट? मैं आपके घर आके नहीं देख सकता कि आपका कैसा माहौल है घर में, ज्वाइंट फैमिली है या वैसे सेपरेट है, तो आपको पता है हमारे घर में कैसा सीन है। तो मेक योर ओन स्ट्रेटजी नाउ, जितना ज्यादा अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे उतना ज्यादा आप उस चीज को फॉलो कर पाओगे। पांचवी बात बतानी है वो ये है कि डू नॉट ओवर स्लीप। हमने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि अच्छे से सोया करो एग्जाम डेज में। यार अच्छे से सोना मतलब 6 घंटे नींद। अगर आप 6 घंटे की नींद करते हो दैट्स इनफ। 6 से ज्यादा नहीं करना, 6 से कम नहीं करना। अगर 7 घंटे भी करोगे चलेगा, ठीक है? 7 घंटे ना ज्यादा ना उससे, मतलब ना 6 घंटे से कम, अगर आप इतनी नींद करते हो दैट्स इनफ। हम क्या करते हैं यार, हमें तो उस यूट्यूबर ने बताया अच्छे से सोना चाहिए तो हम 12 घंटे की नींद कर ही लेते हैं, ठीक है? हम सो जाते हैं 10 बजे, उठ जाते हैं 10 बजे, ठीक है? तो हमें क्या करना चाहिए, 6 घंटे एटलीस्ट सोना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, ज्यादा नहीं सोना, ओवर स्लीप नहीं करना। हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट करके सो जाओ 6 घंटे, उसके बाद फिर से उठो, फिर से खुद को नया टारगेट दो, उस टारगेट के पीछे अच्छे से लग जाओ। अब जो मुझे एंड में ये बात कहनी थी, देखो बोर्ड एग्जाम कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार या कोई भी बनाता है। अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम चिल है, कोई मसला नहीं, अच्छे से आएगा, अच्छे से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी रिजल्ट कब आ गया आपके 490+, 480+, 450+, ऐसे वो बारिश होती रहेगी आपके मार्क्स की, देख लेना इंशाल्लाह यही होगा ना। बस यही कहना था मुझे इस वीडियो में कि हमें क्या नहीं करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स के दौरान, बिकॉज हम ये चीजें जो है बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, ताकि वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। और मैं एम करता हूं इस वीडियो पे 900 to 1000 likes, ओके? एम रखना जरूरी है। सो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।